हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आर्टिस्ट मनोज शर्मा और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बनाने वाला हूं एक बहुत ही इजी पेंटिंग जो मैं ड्रॉ करूंगा पेंसिल से और इसको हम ड्रॉ करेंगे पेपर के ऊपर। ये पेंटिंग मैं स्पेशली बच्चों के लिए बनाने वाला हूँ। ये बहुत ही ईजी और सिंपल वे में मैं इसे ड्रॉ करूँगा। आप देखेंगे स्टेप बाई स्टेप कि मैं किस तरह से पेंटिंग को ड्रॉ करता हूँ। चलिए फ्रेंड, पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्केच बनाने के लिए जो मैं पेंसिल यूज़ करूँगा वो है सकुरा की 0.3 पेंसिल। और अब हम करते हैं स्केच को स्टार्ट। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स सेंटर लाइन, ताकि हम अपने जो स्केच है उसको मेज़रमेंट हम दे सकें एक कि हमें किस पोजीशन में और किस जब शीट के किस एरिया में हमें उसे कंपोज करना है। ये बॉटम लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स अभी, और हम करते हैं धीरे धीरे अपने स्केच को स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको केयरफुली अपने स्केच को ड्रॉ करना है, कोई जल्दबाजी आपको करनी नहीं है। ये बहुत ही पेशेंस का काम है। आप देखेंगे धीरे धीरे किस तरह से मैं अपना जो स्केच है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी ड्राइंग इम्प्रूव करनी है, उसमें काफ़ी स्पीड से आपको इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं, तो आपको डेली बेसिस पर ये प्रैक्टिस करनी होगी। ये मैं डेली रूटीन में, ये मेरी प्रैक्टिस रहती है, मेरा रूटीन रहता है, मैं एक घंटे डेली इसको जो है प्रैक्टिस को करता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा स्केच जो है वो धीरे 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 कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड। फ्रेंड, इससे पहले मैंने जो भी मेरा आर्टवर्क मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर जो मैंने डाला है उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है डिटेल में कि किस तरह से मैं जो अपनी ड्राइंग है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो इस ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से हम जो ड्राइंग को बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, फाइनली हमारा जो स्केच है, एक रैंडम स्केच हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं शेडिंग। फ्रेंड्स, अब मैं टाइम लैप्स वीडियो बनाने वाला हूँ। इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, बिकॉज अगर मैं इसे नॉर्मल स्पीड बनाऊँगा तो ये जो हमारा वीडियो है फ्रेंड काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आप किस तरह से धीरे धीरे मैं जो डिटेल्स हैं, जो हमारे स्केच की लाइट एंड डार्क डिटेल्स हैं, उनको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये जो डार्क एरिया है हमें और लाइट एरिया है इनमें मैं वर्क करता जाऊंगा, वैसे वैसे ये जो पॉट है इसमें लाइफ और डेथ ऑफ फील इसमें आता जाएगा फ्रेंड। फ्रेंड, मैं जो आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो मतलब इजीएस्ट पेंटिंग है। मतलब इसे आप इजीली, वो भी इंसान जिस इंसान ने कभी भी लाइफ में फर्स्ट टाइम अगर ड्रॉ कर रहा है, कभी लाइफ में पहले पेंटिंग नहीं की, तो वो भी अगर इसे फॉलो करेंगे तो ईजिली वो अपने जो पेंटिंग है उसको कंप्लीट कर सकेंगे फ्रेंड। बॉटम में इसकी जो शेड आएगी फ्रेंड उसे भी हम ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा इसमें जो डेथ ऑफ शेड है उसे हम इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे धीरे। रेज़र का भी यूज़ हम कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें जो हाईलाइट करने के लिए अपनी जो लाइट है उसके जो रिफ्लेक्शन होती है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम इसमें रेज़र का भी यूज़ करेंगे। और देखिए किस तरह से इसका जो डेथ ऑफ फील है वो हमारे सामने आता जा रहा है। नॉर्मल सपोर्ट भी बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएगा फ्रेंड। फ्रेंड, अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन इससे मिलता है फ्रेंड। और ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, ताकि तभी आपको डिटेल्स में आपको जो चीज़ें समझने को मिलेंगी। और आप ईजिली पेंटिंग को, अगर ये वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं और इसको आप फॉलो करके, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से इसी प्रोसेस में एक जो स्केच है वो ड्रॉ करें। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी जो
जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। आप देखेंगे किस तरह से जो मतलब जो पॉट है एक नॉर्मल सा पॉट भी कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है फ्रेंड। फाइनली हमारी जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। आपको पेंटिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए एंड प्लीज़ फॉलो माई यूट्यूब चैनल।